अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भैया ये लीजिए दवाइयाँ। और डॉक्टर ने ना क्लियरली बोला कि बहुत नाजुक मामला है, वो अग्नि की ना दिमाग की नर्व्स कमजोर है और किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ना नर्व्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है। भैया रूही भाभी ने तो रोमांटिक फिल्म ही चलाई थी, पता नहीं ये डरावनी फिल्म कैसे चल गई। भैया फिक्र मत कीजिए, अग्नि ना जल्दी ठीक हो जाएगी। छोटी माँ, पापा आप लोग बाहर जाइए, अग्नि को आराम करने देते हैं। ठीक है। मम्मी जी अग्नि कैसी है? वो अब ठीक तो है ना? मैं एक बार अग्नि से मिल लेती हूँ। अग्नि ठीक है रूही, डॉक्टर ने अग्नि के आसपास भीड़ इकट्ठा करने से मना किया है, तुम कल सुबह मिल लेना। और नाहर है, अग्नि का ध्यान रख रहा है। इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज। ये सब क्या है और किस खुशी में? तुम्हारी वजह से घर में इतनी सारी खुशियां आ रही हैं और अब तुम्हारी खुशियों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों दादी? एक मिनट। दिमाग ना ठीक है ना तुम्हारा? अरे माँ बनने वाली हो, इतनी तेज तेज उछल कूद रही हो, बच्चे पर गलत असर पड़ गया तो? ओह हाँ, सॉरी दादी जी, वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। थैंक यू, आपको मेरी कितनी फिक्र है ना? मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। हाँ मुझे पिंकू के बच्चे की फिक्र है, इसलिए अपना ख्याल रखो अच्छी तरह से तुम। मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा बस 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 बस, चलिए अब ये सब सीरियस बातें छोड़िए और केक कट करते हैं। शुरू शुरू के महीने में होने वाली माँ एक एक कदम भुक भुक के रखती है, लेकिन पलक इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि सोफे पे चढ़कर ऐसे उछलने कूदने लगी? कहीं ये हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही? डरावनी मूवी लैपटॉप पर कैसे आई? मैंने तो रोमांटिक मूवी डाउनलोड की थी और चेक भी किया था, फिर ये कैसे हुआ? जो भी हो, आज मेरी बेवकूफी की वजह से अग्नि की हालत हो गई है। कांटो जी, अग्नि की सेहत का ख्याल रखना। वीडियो
खोल। जूही, अब क्या किया उन लोगों ने? तू तब परेशान क्यों नजर आ रही है रूही? मैं और परेशान? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगी? जूही, परेशान तो तू लग रही है। और देख, तेरा कमरा इतना फैला हुआ क्यों है? वो मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ तो मेरा कमरा ऐसे बिखरा रहता है। कैसा स्ट्रेस? तेरा स्ट्रेस और कैसा? तू तो दादी के कहने पे चली गई यहाँ से, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना तेरे लिए कितना मुश्किल है वहाँ पे रहना। कभी कभी मैं अपने आप को इतना ज्यादा बेबस महसूस करती हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं तेरे लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर मैंने वकालत कर ली होती ना, तेरी कसम नहार जुजू उनके खानदान पे ना अच्छा खासा केस कर देती मैं। बस बस मेरी झांसी की रानी, शांत हो जा, ठीक है? जूही, कभी कभी गलत लगने वाली हर चीज गलत नहीं होती। कभी कभी लोग बुरे नहीं होते, बस हालात खराब होते। जूही, तुझे याद है मम्मी कहती थी कि हमें हर हालात में दिल से और दिमाग से दोनों से काम लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग हमें जिंदगी की असलियत दिखाता है और दिल की भावनाएं हमें उन हालातों से लड़ना सिखाती हैं। जूही, तुझे जो गलत लग रहा है शायद वही नहार जी और उनके परिवार वालों के लिए सही है। जैसे तू मेरे लिए दिल से सोचती है, वैसे नहार जी और उनके परिवार वाले अग्नि के लिए सोचते हैं, उन्हें उसकी चिंता है। जूही, लेकिन हमने तो उन्हें किसी धोखे में नहीं रखा ना। जूही देख, मैं मानती हूँ उनकी गलती थी, लेकिन वो भी क्या करे, माँ बाप है, अपने बच्चे के लिए उन्होंने अपने दिल से सोचा। वो भी चाहते थे कि नहार जी की जिंदगी में सब सही हो जाए, लेकिन कुछ हालातों में दिल सही गलत नहीं देखता, बस अपनों की भलाई देखता है। सबने अग्नि और नहार जी की भलाई के बारे में सोचा और सबका भला हुआ। तुझे क्या मिला इन सब में? जूही, ये हमारे दोस्ती के नाम। मुझे एक दोस्त मिला। नहार जी जीवन साथी का फर्ज तो नहीं निभा सकते, लेकिन एक दोस्त की तरह उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, तो उनमें अच्छाई ढूंढ ही लेती है ना, यही तो तेरे मन की असली सुंदरता है। ठीक है, अब तो आराम कर, बस धातु की तबीयत एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद मैं झट से लेने आ जाऊंगी तुझे। ठीक है जूही, तू आराम कर, चल गुड नाइट। गुड नाइट। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।